एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चों की डिलीवरी होती है और हम देखते हैं एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। नर्स इन दोनों बच्चों को एक दूसरे के आसपास रख देती है। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं उमिनो नागी को, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके माँ बाप रेस्टोरेंट चलाते हैं। आज इसकी खाना बनाने की बारी होती है, इसी वजह से ये खाना बना रहा होता है। पर इसकी बहन साचिया किसे कहती है कि तुम क्या बना रहे हो। ये कहता है कि मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, इसका येल्लो पार्ट काफी अच्छा होता है ब्रेन के लिए। इसकी बहन फिर से कहती है कि तुम ऐसे ही हो, इसी वजह से तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, तुम हमेशा दिमाग वाली बातें करते रहते हो। कुछ ही देर में इसकी मॉम यहाँ पे आती है और कहती है कि मेरे इयररिंग्स कहाँ पे है। नागी कहता है आपने शायद ड्रॉअर में रख दिए थे। इसके बाद इसके दोनों माँ बाप आके इसे कहते हैं कि उसकी मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो जल्दी आ जाना। दरअसल नागी एक लड़की के साथ एक्सचेंज हो गया था जिस टाइम उसका बर्थ हुआ था, तो ये इन दोनों का असली बेटा है नहीं, और ये बात इन्हें 16 साल बाद पता चली है। इसकी मॉम इसे कहती है कि जल्दी वहाँ पे आ जाना, और आज नागी का बर्थडे भी होता है। नागी कहता है ठीक है मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। नागी फिर तैयार होने लग जाता है। उतने में उसकी बहन साचिया के से पूछती है क्या तुम उनकी फैमिली में ज्वाइन होने वाले हो। ये कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ और मुझे नए पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, और बात रही उनकी फैमिली में ज्वाइन होने की तो मैं उन्हें साफ मना कर दूंगा। यहाँ साची रोते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरे बड़े भाई को कोई मुझसे छीन ले। नागी फिर कहता है चिंता मत करो, मुझे उनका बच्चा बनने का कोई भी मन नहीं है, इसी वजह से मैं उन्हें डायरेक्ट मना कर दूंगा। नागी फिर अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, पर वो देखता है कि एक लड़की ब्रिज के ऊपर चढ़ी हुई है और वो गिरने वाली है। उसे लगता है कि ये सुसाइड करने वाली है, इसी वजह से नागी इसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से पहले उसे दो बार सोच लेना चाहिए, और चिल्लाने लग जाता है और ये सोचता है कि कहीं गिर ना जाए, इसी वजह से इसे पकड़ने के लिए जाता है, और गलती से इसे पकड़ते टाइम इसके हाथ इसके बूफ से पड़ जाते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इसे चाटा मारती है और कहती है कि वो अपने आप को मारने का सिर्फ नाटक कर रही थी, वो इसकी वीडियो बनाने वाली थी ताकि वो इसे इंस्टा पे अपलोड कर सके। नागी फिर ये पूछता है क्या तुम ये फॉलोअर्स पाने के लिए कर रही हो। ये कहती है कि मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नागी फिर सोच रहा होता है इसका चेहरा तो मैंने कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा पा रही। फिर ये कहती है ये वीडियो ये इसलिए बना रही थी ताकि ये इसे अपनी मॉम को भेज सके, क्योंकि इसकी मॉम इसकी शादी कराने वाली है। नागी कहता है क्या शादी, ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गया। ये कहती है कि तुम्हें पता नहीं 16 साल की उम्र में तुम शादी कर सकते हो। नागी को फिर याद आता है कि हाँ 16 साल की उम्र में तो ये लोग शादी कर सकते हैं। ये इसे फिर बताती है इसका नाम अम्मानो एरिका है और ये ऑर्फन्स गर्ल एकेडमी सेकेंड ईयर में पढ़ती है। ये सुन के नागी को कुछ याद आ जाता है, और जब ये इसका नाम इंस्टा पे सर्च करता है तो इसे पता चलता है ये तो एक सेलिब्रिटी है, और इसे ये भी याद आ जाता है कि कुछ लड़के इसके बारे में बात कर रहे थे। इसे लगता था कि अमानो फिल्टर लगा के फोटो डालती है, और जब वो उसके सामने है तो उसे यकीन हो गया कि ये बिना फिल्टर के ही फोटो डालती है। नागी फिर से बताता है कि मिगुरागावा एकेडमी में सेकंड ईयर में पढ़ता है। अमानो कहती है तो काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल है, तो फिर तुम इंटेलिजेंट होंगे। ये कहता है हाँ मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अमानो फिर से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। नागी कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला, और खास करके तुम जैसी लड़कियों को मैं डेट नहीं करना चाहता। ये कहती है कि तुम्हें असलियत का बॉयफ्रेंड बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ नाटक करो। वो बताती है अगर उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और उससे काफी ज्यादा वो प्यार करती है तो शायद वो इस मैरिज को रोक दे। नागी कहता है ये काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है, पर मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारा साथ देने का, और मुझे आज मेरे असली पेरेंट्स से मिलने भी जाना है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। अमानो कहती है कि मेरे फ्यूचर का सवाल है। नागी कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है क्या है, मुझे जाने दो। जिसके बाद अमानो उसे पीछे से बुलाती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमे नागी उसके बूब्स दबा रहा होता है। ये देख के नागी एकदम हैरान रह जाता कि ये वीडियो कब ली उसने। अमानो फिर से कहती है अगर उसने इसका साथ नहीं दिया तो ये इसकी एकेडमी में इस वीडियो को भेज देगी। नागी को फिर ना चाहते हुए भी इसका साथ देना पड़ता है। नागी पूछता है कि बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया। इसके बाद ये कैप दिखाती है नागी को। नागी कहता है मुझे भी दिखाओ। यहाँ ये कहती है कि दो मिनट हटो, और भागा दौड़ी में इनकी एक फोटो खिंच जाती है। नागी को फिर एक आइडिया आता है, वो कहता है कि तुम इस फोटो को भी अपने पेरेंट्स को भेज सकती हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड है, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अमानो कहती है ये फोटो काफी बेकार है, हमें एक और फोटो लेनी चाहिए, पर नेक्स्ट फोटो जब ये लेते हैं तो काफी गंदी आई होती है। इस चीज के लिए नागी माफी मांगता है। अमानो फिर इसे शॉपिंग के लिए ले जाती है ताकि इसके पेरेंट्स को यकीन आए कि ये दोनों कपल्स हैं, और ये एक टाइप की ड्रेस लेते हैं। इन ड्रेसेस का बिल करीब 4 लाख
95,000 जितना आता है। ये सुन के इतना की कहता है मेरे पास तो 1,000 ही येन है, पर इसका बिल अमानो अपने कार्ड से देती है, जिसके बाद ये एक फोटो लेते है। नागी फिर सोचने लग जाता है कि अपनी मॉम डैड को ये इतनी अजीब सी फोटो भेजेगी, कहीं ये गैंगस्टर तो नहीं, ये फिर इससे पूछता है। पर अमानो कहती है कि उसकी मॉम डैड होटल मैनेजमेंट का काम करते है। अमानो कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड स्ट्रांग होगा तो मेरे पेरेंट्स ज्यादा शक नहीं करेंगे। आंखी फिर सोचता है कि सचमुच एक बड़ी इडियट है, जिसके बाद अमानो कहती है कि मैं फोटो इस वजह से लेती हूँ क्योंकि जब आप उस फोटो को देखो तो फोटो आपको एहसास दिलाए कि ऐसा भी पल आपने जिया हो। इसी वजह से वो ज्यादा अपने फोटोज में फिल्टर नहीं लगाती और वो कहती है कि इसी फोटो को वो अपने पेरेंट्स को भेजने वाली है क्योंकि यही वो फोटो है जिसमें ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। और जब ये अपने पेरेंट्स को ये फोटो भेजती है तो इसके पेरेंट हंसते हुए कहते है कि तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तुम बाहर क्या कर रही हो। इसके बाद अमानो कहती है हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही देर में यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कहते है कि एरिका तुम्हारे साथ वो लड़का क्या कर रहा है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नागी फिर अमानो से पूछता है कि ये लोग कौन है। अमानो कहती है पता नहीं ये कौन है पर हमेशा कोई ना कोई स्टॉक करता ही रहता है। यहाँ पे फिर नागी कहता है मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट वाला बॉयफ्रेंड हूँ। ये आदमी कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट वाला बॉयफ्रेंड, और ये इसे मारने लग जाता है। पर यहाँ पे नागी इसे एक ही पंच में ढेर कर देता है और कहता है दोबारा अमानो के पीछे मत पड़ना, जिसे सुन के ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। नागी फिर बताता है कि अमानो फैमिली का विजडम है कि कोई भी तुम्हारे साथ अगर लड़ाई करे तो तुम्हें उस लड़ाई को जीतना है। यहाँ फिर अमानो को एक आइडिया आता है कि अपने फियोंसे को एक जोरदार पंच मारेगी जिससे सारा मूड खराब हो जाएगा। अमानो का फिर जाने का टाइम आ जाता है और वो कहती है उसने आज काफी ज्यादा एंजॉय किया और जैसी वो है इसी वजह से उसकी दोस्त कभी भी नहीं बन पाते। और वो फिर नागी को कहती है कि वो तुम नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, और वो उसे चिढ़ा के यहाँ से चली जाती है। नागी को फिर एहसास होता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए, पर किसी तरह ये अपने रियल पेरेंट्स तक पहुंच जाता है जिसे देख के इसकी दोनों रियल पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये सब फिर नागी को कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो तुम हमारे बच्चे बन के रहोगे। नागी कहता है कि ये सब आप क्या बात कर रहे हो। इसके रियल डैड इसे फिर बताते हैं कि मुझे यकीन नहीं हुआ जब मेरी डॉटर ने तुम्हारे साथ अपनी फोटो भेजी, जिसके बाद ये अपनी डॉटर से इसे इंट्रोड्यूस कराते जो कि एरिका होती है। ये देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। ये इन सबको कहता है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एरिका कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना कम से कम एक प्रॉमिस तो निभा सकती हूँ, और वो उसे जोर से मुक्का मारती है और इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ नागी अपने क्लास के लिए जा रहा होता है तो उसे एक लड़की टकराती है, और ये और कोई नहीं ये इसकी क्रश होती है जिसका नाम सेगासावा हीरो होता है। नागी फिर सबके सामने चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट एग्जाम में हरा दूंगा और मैं फर्स्ट पोजीशन लेके रहूंगा। सेगासावा नागी को कहते है तुम हो कौन। नागी कहता है कि मैं तुम्हारी क्लास में सेकंड आता हूँ और तुम फर्स्ट आती हो, तुम्हें पता नहीं है। दरअसल सेगासावा को उसे स्मार्ट लड़की पसंद आते है, तो फिर नागी ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन ये इससे फर्स्ट आएगा वो उस दिन इसे अपने लव का कन्फेशन कर देगा। और वही साची को भी एहसास होता है कि नागी तो उसका असली ब्रदर है ही नहीं, और अमानो अब तक सोच रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है। और जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग कह रहे होंगे कि भाई सिंचन की वीडियो लाओ, सिंचन की वीडियो लाओ, आपकी कई सारी वीडियोस उड़ चुकी है। और कैसी उड़ी है आप सबको पता है, दो स्ट्राइक की वजह से मेरे चैनल को टेक डाउन कर दिया है, मतलब चैनल एकदम बंद नहीं हुआ, दो स्ट्राइक आ चुकी है तो फिर भाई खत्म हो चुकी रही। तो मुझे पता है यार मेरा ये चैनल ज़्यादा नहीं चलने वाला, बट कोई नहीं मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके और एक कमेंट करके आप सपोर्ट दिखा।